अगर आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लाइव टीवी देखना चाहते हैं तो आज हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लाइव जियो टीवी कैसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन कर लें। यहाँ आप सर्च करें ब्लू स्टैक्स, यहाँ डाउनलोड में क्लिक करें, यहाँ डाउनलोड ब्लू स्टैक्स में क्लिक करें। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इंस्टॉल नाउ में क्लिक करें। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, आप वेट करें। ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में भी कुछ समय लगेगा, आप वेट करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर ओपन होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, आप वेट करें। ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर में एंड्रॉयड के सभी ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं। जिस तरह आप अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट से साइन इन करते हैं, उसी तरह आप इस सॉफ्टवेयर में भी गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। तो मैं इस सॉफ्टवेयर में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप जो भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मुझे जियो टीवी डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ओपन में क्लिक करें, यहाँ अलाउ में क्लिक करें, अलाउ करें, अलाउ करें। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर से जियो टीवी में लॉगिन कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं जियो टीवी ऑन हो चुका है। यहाँ से आप जो भी चैनल देखना चाहते हैं उसे डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। इस ऐप में लगभग सभी सेटिंग्स मोबाइल की तरह होते हैं। जिस तरह आप मोबाइल में सेटिंग्स करते हैं, उसी तरह आप इस ऐप में भी सेटिंग करके वीडियो की क्वालिटी की सभी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लाइव टीवी देख सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।